चलो बच्चों, आज से हम लोग अपने अपने ग्रामर का पहला लेसन शुरू करते हैं। हम लोग का पहला लेसन क्या है? नाउन एंड देयर टाइप्स, नाउन और उसके प्रकार। नाउन और उसके प्रकार के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। नाउन क्या होता है? एवरीवन एंड एवरीथिंग अराउंड अस हैज अ नेम। हम लोग के आसपास जितनी भी चीज़ें हैं उसका कोई ना कोई नाम जरूर होता है। चाहे कोई लड़का गुजरा है तो उसका क्या नाम है? लड़का। कोई लड़की गुजरे, लड़की। ये चीज पर है, टेबल पड़ा हुआ है, टेबल, बुक। वो जानवर जा रहा है उसका नाम टाइगर, बकरी, गोट, ये इन सब का नाम है। तो ये सभी क्या है? नाउन होते हैं, नेमिंग वर्ड होते हैं। नेमिंग वर्ड ही हम लोग के नाउन होते हैं, ठीक है। दे आर नेमिंग वर्ड्स। वो क्या है? नेमिंग वर्ड्स है। नेमिंग वर्ड्स आर ऑल्सो कॉल्ड नाउन्स। मतलब कि नेमिंग वर्ड को हम लोग नाउन कहते हैं, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल में देख लो, गोपाल सॉ द काउ ग्रेजिंग इन द फील्ड। अब इसमें हम लोग को ढूंढना है कौन कौन नाउन है, कौन कौन नाउन नहीं है। तो हम लोग का गोपाल ये नाम है कि नहीं नाम है? नाम है, तो हम लोग का नाउन हो जाएगा। उसके बाद सॉ, सॉ यानी क्या होता है? देखना। तो देखना किसी का नाम होता है? देखना किसी का नाम नहीं होता है, तो ये नाउन हम लोग का नहीं होगा। काउ गाय, गाय नाम होता है, तो काउ हम लोग का क्या हो जाएगा? नाउन हो जाएगा। फिर आगे क्या है? ग्रेजिंग। ग्रेजिंग यानी तुम लोगों को पता होगा चरना। तो चरना किसी का नाम होता है, ग्रेजिंग किसी का नाम नहीं होता है, तो हम लोग का नाउन नहीं होगा। फील्ड, फील्ड यानी खेत। तो खेत तो नाम होता है भाई, तो ये क्या हो जाएगा? नाउन हो जाएगा, ठीक है। नाउन समझ में आ गया। अब काइंड्स ऑफ नाउन, नाउन के कितने टाइप होते हैं, कितने टाइप के नाउन होते हैं? तो हम लोग के नाउन फाइव टाइप के होते हैं। कौन कौन से फाइव टाइप? पहला कॉमन नाउन, दूसरा प्रॉपर नाउन, तीसरा कलेक्टिव नाउन, चौथा एब्स्ट्रैक्ट नाउन, पांचवा मटेरियल नाउन। ये हम लोग के पांच नाउन के काइंड होते हैं, टाइप होते हैं, ठीक है। चलो बच्चों, अब हम अपने लेसन को आगे बढ़ाते हैं। इससे पहले मैंने क्या पढ़ाया है कि नाउन किसे कहते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच, मतलब नाउन किसे कहते हैं और नाउन के काइंड कितने होते हैं। अब हम लोग बारी बारी से उन काइंडों के बारे में पढ़ेंगे। पहला है हम लोग का कॉमन नाउन। कॉमन नाउन किसे कहते हैं? ए कॉमन नाउन इज द जनरल नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। मतलब किसी भी पर्सन का, किसी भी प्लेस का, किसी भी एनिमल का, चाहे किसी भी चीज का, और उसका जनरल नाम। जैसे कि कोई लड़का जा रहा है तो मैं उसको बोला लड़के, तो ये लड़का क्या होगा? बॉय। ये क्या होगा? कॉमन नेम होगा, ये हम लोग का कॉमन नाउन होगा। अगर उसका मान लो राहुल नाम है तो तुमने उसको राहुल बोल दिया, तो वो राहुल कॉमन नाउन नहीं होगा, वो राहुल क्या हो जाएगा? प्रॉपर नाउन हो जाएगा। जैसे कि लड़का, तो वो लड़का बोल दिए तो ये तुम्हारा कॉमन नाउन हो जाएगा। लड़की बोल दिए तो, जैसे ये स्कूल है हम लोग का, ग्राफिक्स एरा इंटरनेशनल स्कूल, अगर तुमने इसका पूरा नाम बोल दिया तो ये प्रॉपर नाउन में आ जाएगा। अगर तुमने इसको केवल स्कूल बोला तो ये हम लोग का कॉमन नाउन में आ जाएगा, ठीक है। ये समझ में आएगा कॉमन नाउन। एग्जाम्पल में देख लो, जैसे बॉय, गर्ल, हाउस। हाउस जैसे कोई घर है, उसका सभी घरों का आजकल तो कोई ना कोई नाम रह रहा है, जैसे सीता निवास और राम विला, ये ऐसा नाम रह रहा है। लेकिन अगर तुम उसको केवल घर कहे तो क्या हो जाएगा? कॉमन नाउन हो जाएगा। जिराफ, जिराफ का कोई पार्टिकुलर नेम नहीं होता है, जिराफ ही होता है, तो ये क्या हो जाएगा? कॉमन नाउन हो जाएगा। कंट्री, सभी कंट्रीज का कोई ना कोई नाम होता है, लेकिन अगर तुमने उसको केवल कंट्री कहा तो क्या हो जाएगा? कॉमन नाउन हो जाएगा। ये सभी जनरल नेम है, तो जो भी जनरल नेम होता है वो हम लोग का क्या हो जाएगा? कॉमन नाउन हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं दूसरे वाले काइंड पे, क्या है? प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन किसे कहते हैं? ए प्रॉपर नाउन इज द पार्टिकुलर नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग। मतलब कि प्रॉपर नाउन किसी भी पर्सन, प्लेस, एनिमल या किसी भी चीज का पार्टिकुलर नेम होता है। जैसे मैंने बताया था, लड़का जा रहा है, अगर उसका राहुल नाम है, तुमने राहुल बोला, तो वो राहुल क्या हो जाएगा? हम लोग का प्रॉपर नाउन हो जाएगा। ग्राफिक्स एरा इंटरनेशनल स्कूल क्या हो जाएगा? प्रॉपर नाउन हो जाएगा। इंडिया, जैसे मैंने कंट्री बताया था, कंट्री कहोगे तो कॉमन नाउन हो जाएगा। अगर तुमने इंडिया बोला, चाइना बोला, रशिया बोला, तो ये सब क्या हो जाएगा? प्रॉपर नाउन हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल में देखो, राम किसी लड़के का नाम है, पार्टिकुलर नेम है। जैसे लड़का जा रहा है, उसका कई लड़के जा रहे हैं, अगर तुमने राम चलाया तो राम नाम का लड़का ही पीछे देखेगा, तो राम क्या हो जाएगा? किसी का पार्टिकुलर नेम होगा, तो हम लोग क्या हो जाएगा? प्रॉपर नाउन। श्याम, ये भी किसी का नाम है,
गीता, इंडिया, ये सभी क्या है? प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन है। प्रॉपर नाउन का पहचान क्या है? अगर मैं तुमको कह दूं प्रॉपर नाउन का पहचान क्या है तो तुम क्या कैसे पहचानोगे? तो देखो नोट है, इसको तुम लोग को अच्छे से याद रखना है। नोट सबसे स्पेशल, सबसे इंपॉर्टेंट होता है। ए प्रॉपर नाउन इज ऑलवेज बिगिंस विथ कैपिटल लेटर। प्रॉपर नाउन हमेशा कैपिटल लेटर से ही शुरू होता है, स्मॉल लेटर से शुरू नहीं होता है, ठीक है? इस बात को तुम लोग याद रखोगे, इस चीज को अपने नोटबुक में नोट कर लोगे, ठीक है? अब हम लोग अगले वीडियो में तुम लोगों से मुलाकात होगी। धन्यवाद।